आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के नई घड़ी थाना क्षेत्र में जिस अज्ञात व्यक्ति का शव नदी में मिला था उसकी पहचान कर ली गई है। मृतक की जेब से मिली साइकिल की चाबी से परिजनों ने मृतक की पहचान की है, जिसके बाद दफन किए गए शव को कब्र खोदकर बाहर निकाला गया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि चार दिन पूर्व डखरा जंगल स्थित पहाड़ के नीचे से गुजरने वाली नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा गया था, जिसे पुलिस ने 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला था। मृतक की पहचान न होने पर पुलिस ने शव को दफन करा दिया था और उसकी शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी थी। मामले में मंगलवार को थाना पहुंचे परिजनों ने पुलिस द्वारा मृतक की जेब से मिली साइकिल की चाबी को देखकर मृतक की पहचान नई गढ़ी के ग्राम तेंदुआ निवासी नंदलाल मिश्रा के रूप में की है। बताया गया कि मृतक 15 दिन पूर्व से लापता था, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। परिजनों द्वारा मृतक की पहचान के बाद शव को कब्र से खुदवा कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। चार दिन पूर्व यहाँ पर नदी से एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस बल के सहयोग से शव बरामद किया गया, लेकिन उसकी क्योंकि बॉडी लगभग 15 दिन पुरानी होने से उसकी पहचान नहीं की जा सकी, तो पुलिस ने विधिवत उसका शव दफना दिया गया था। फिर उसके पास उपलब्ध चाबी और अन्य सामग्री के चलते परिवारजनों को उन्होंने पहचान लिया कि हाँ, ये हमारे परिवार के ही हैं। मृतक मानसिक विक्षिप्त था, तो इस वजह से शायद डेथ हुई है, और वापस सबको परिजनों को सौंपने के लिए विधिवत अनुभागीय अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार परिजनों की उपस्थिति में पुलिस बल के सहयोग से ग्रामीणों के समक्ष शव को निकलवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। विधिवत तो रिवाज अनुसार उसका।